बॉलीवुड और कंट्रोवर्सीज एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके चलती हुई नजर आती हैं। किसी भी बॉलीवुड स्टार के साथ में कोई कंट्रोवर्सी ना जुड़ी हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में। दरअसल सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अयारी के प्रमोशन में बिजी है और इसी प्रमोशन के चलते वो अपने को स्टार मनोज बाजपेयी के साथ बिग बॉस 11 के सेट पर पहुंचे, जहां पर एक टास्क के दौरान सलमान खान ने उनसे दबंग मूवी के डायलॉग भोजपुरी में कन्वर्ट करके बोलने को कहा, जहां पर उन्होंने कन्फेस किया कि ये बोलते हुए उनको लैटरिन टाइप फीलिंग आई और इसके बाद ये लोगों के निशाने पर आ गए। तो वहीं पर एक्ट्रेस नीतू चंद्रा, जिनकी की मदर टंग भोजपुरी है, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सिद्धार्थ मल्होत्रा पर सीधा निशाना साधा और उनके लिए बहुत कुछ लिखा। इसके बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एक ट्वीट के जरिए अपने उस बयान पर माफी मांगी और कहा कि मेरा मकसद किसी के भी सेंटिमेंट हर्ट करना नहीं था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म अयारी 9 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में इनके अलावा मनोज बाजपेयी, नसरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे और कलाकार भी होंगे। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर हैं नीरज पांडे।